वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ, दास भाई राय सिंह संपूर्ण रागी जथा और गुरुद्वारा संत सागर न्यूयॉर्क दे हेड ग्रंथी साहब यानी संतोख सिंह जी, होर भाई दविंदर सिंह जी, वीर सिंह जी, ए सारे असि गुरुद्वारा साहब रहने हैं। और दो हफ्ते पहला एक स्टेज ते कुछ कीर्तन की मिलत नू लैके जो गलबात हुई वो वीडियो सारी आप सारे तक पहुंची है, वेखी है आप जी ने, क्योंकि संडे दे संडे संत सागर तो लाइव जाता है और देशों प्रदेशों विच संगत कीर्तन सुनती है, जिदे विच नोट किया है क्योंकि कीर्तन की मिलत नू लैके कुछ गल हुई। तो मैं वो एक ही पंक्ति तकरीबन 7-8 बारी दोहराई, क्योंकि कश्मीर सिंह जी एक अद्धा स्वर थोड़ा जा इधर उधर ला रहे सन भी ये गल समझ आ जाए, फिर मैं खाली आवाजा भी बजाया तां भी वो नहीं समझ पाए गल नू। फिर मैं ये सोच के भी ये वखरी आवाज संगत तक ना जाए, मैं स्पीकर थोड़ा जा पिछे करना चाहिए, हो गया। तो कश्मीर सिंह होर नू थोड़ा जा गुस्सा लग्या, वाजिब सी लगना सी, इन्होंने वो स्पीकर साइड ते करना चाहिया, फिर साइड ते होने तो पहला डिग पिया, वो मैनू भी बुरा लग्या और संगत नू भी बुरा लग्या। तो मैं अपने आप नू इधर चुक के इन्हां दे कन्न विच कहा, मैं कहा भी स्टेज ते गुस्सा नहीं करना, जे गुस्सा करना तो मैं कहा उठ के चले जाओ। इस तो अलावा होर कोई गल नहीं हुई, मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच बैठा और जिन्ना जिन्ना ने इस गल नू वायरल किया मैं उन्हां दे खिलाफ नहीं हाँ, क्योंकि जो थाल साढ़े सामने सज के आवेगा परोसया आवेगा असी उही छकना है। पर गल मैं उन्हां दी करना जिन्हां ने सिर्फ उन्नी एक गल एडिटिंग करके और अज होर नवी गल मेरे सामने आई, जदों मैं भाई कश्मीर सिंह वाले चुक के ये गल कह रहा भी स्टेज ते गुस्सा नहीं करना, जे गुस्सा करना तो उठ के चले जाओ। तो उस गल नू उस टाइम नू मुख रख के किसे एडिटिंग करन वाले ने बहुत उच्ची उच्ची गाला भी कढ़िया, तेरा तौला झट्टा है, तेनों शर्म नहीं आती, तेरे मुक्की मार के मैं तेरे दंद भन दूं, ऐसी ऐसी गल्लां उहदे विच किसे ने कही है जिहदी मेरी आवाज नहीं है। और मैं गुरु रामदास साहिब दे दर दा कीर्तनिया होने दे नाते गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच बैठ के ये कसम खाण नूं तैयार हां भई वह लफज मेरे नहीं, गुरु की संगत विच गुरु दी हजूरी विच मैं एडे गिरे हुए लफज नहीं वरत सकदा। और जे किसे नूं मेरा सिर्फ माइक पिछे करना गलत लग्या होवे ते मैं उन्हां कोलों खिमा दा जाचक हां, बाकी गालां कढ़नियां मंदे बोल बोलने वो मेरे बस की गल नहीं, ना मैं कदे बोले ना मैं बोल सकदा, वो सिर्फ एक एडिटिंग है जिहड़ी लोगों ने एडिट करके पाई है साड़ी वीडियो विच। और मैं अपने वालों स्पष्टीकरण इस करके दिता कि भाई कश्मीर सिंह मेरे नाल बैठे है, विनोद सिंह जी तबले दे मेरे नाल बैठे है, संतोख सिंह जी मेरे नाल बैठे है, ये सारे मौजूद सन। थोड़ा जा स्पष्टीकरण भाई साहब भाई कश्मीर सिंह जी आप जी नूं देणगे भी मैं इन्हां दी गल विच गालां कढ़ियां कि कोई ओही गल कही भी गुस्सा नहीं करना, ये कश्मीर सिंह जी दसणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है साध संगत नूं जी, मैनू कोई गाल नहीं कढ़ी गई, बस मैनू भाई साहब ने ही आख्या ही भाई तेरा ठीक नहीं चल रहा काम, ते वो मेरा मैक साइड ते करन दे नाल मैक डिग पिया, ते बाद विच फिर भाई साहब कहिंदे भी जे तू गुस्सा करना तो उठ जा, ते फिर मैं तां करके उठ के पिछे हो गया हाँ। गालां वाली कोई गल नहीं, ना मैनू उन्हां ने कोई गाल कढ़ी है, ना मैनू कुछ इन्हां मंदा बोल बात विच भी नहीं बोलिया ते स्टेज ते भी नहीं बोलिया, बस यही मेरी यही गल हुई है साडी। हुण यानी संतोख सिंह जी दो लफज इस गल नूं सामने रख के आप जी नाल सांझे करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, भाई साहब भाई राय सिंह जी, सचखंड श्री दरबार साहब के हजूरी रागी जथा जो लगभग 1.5 साल तो इस अस्थान से निरंतर सेवा निभा रहे हैं और दास नूं इन्हां दी संगत करन दा सुभाग समा मिलिया है। कदी भी इन्हां दी रसना तो कोई ऐसे माड़े जिहड़े बोल हन असीं नहीं सुने हन। बड़े मिठे बोलड़े सुभाव वाले हन, मिल वर्तन वाले हन। कोई स्टेज तो ऐसे कोई जथे दी आपस विच कोई सुर नूं लै के गलबात हो जाती है, लेकिन जिहड़े एडिट करन वाले हन उन्होंने जो कुछ भी दुनिया के सामने पेश किया है बहुत ही मंदभागा है। ऐसा नहीं चाहिए कि एक गुरु घर रामदास जी महाराज के घर के कीर्तन जथे इस तरह बदनाम करने की कोशिश की जाए। सो जो कुछ भाई साहब भाई राय सिंह ने दसिया है ये बिल्कुल इदा ही है कि माड़ी नो चोक इन्होंने स्टेज उत्ते हुई, इस तों बाद कुछ भी नहीं होया। सो आप संगत चरणा बेनती है कि जिहड़ी वीडियो सामने वायरल हो रही है वह बिल्कुल बाद एडिट की गई है। ओके okay।